तो पावर बीआई में हम आज बात करने जा रहे हैं कि हाउ कैन कैलकुलेट द मेजर्स, मतलब कि एक नया फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या था कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। फील्ड एक एक आइटम, जो भी आपके डेटा के एक एक आइटम है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अब मेजर्स कैलकुलेशन की, मतलब कि हम डायरेक्टली अपने रिपोर्ट में ही कैलकुलेशन कैसे करेंगे रिपोर्ट बनाने के लिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फंक्शंस है, फंक्शन में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है जो कि डायरेक्ट मेजर कैलकुलेशन को ही सपोर्ट करता है। ओके, तो आगे के फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें मेजर्स की कैलकुलेशंस के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात जानते हैं कि हमें मेजर्स की जरूरत क्यों पड़ती है। आपके सामने मैंने एक डेटा लोड किया है, एक बार डेटा को समझ लीजिए। डेटा एक हमारा सेल्स का है, इसमें सेल्स आईडी है, डेट है, सेल्स मोड है, सीआईडी है, नेम ऑफ कस्टमर है, कस्टमर आईडी है, नेम ऑफ कस्टमर्स है, स्टेट उनकी सिटीज है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी अमाउंट है, एमआरपी मान लीजिए, उसका टोटल है एंड टैक्स है, उसके बाद उसका ग्रॉस टोटल है, कितने कॉल्स किए गए और साइट है। तो मान लीजिए मुझे क्वांटिटी को लेना है, तो हमने यहाँ पे एक देवर चार्ट जो होता है, गज चार्ट होता है, वो ले लिया मैंने, और इस पे हमने क्वांटिटी को रखा। तो क्वांटिटी को रखने के बाद ये आपका एक अपने हिसाब से बना दिया, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे अपना टारगेट सेट करना है। 196 आप दिख रहा है ना, तो हमारा मिनिमम सेल होना चाहिए कम से कम 20,000 और मैक्सिमम सेल हमारा 5 लाख का होना चाहिए, या 2 लाख का होना चाहिए, या 3 लाख का होना चाहिए, ऐसे डिफाइन करना है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता ना क्या सर, हमें यहां पे कोई फील्ड रखना पड़ेगा। बट इससे रिलेटेड टोटल कोई फील्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मान लीजिए डेटा में हम एक नया फील्ड क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं, तो मुझे पूरा में डालना पड़ जाएगा, फिर उसका सम आएगा तो सम काफी बड़ा हो जाएगा। अजय जी बात समझ में आया कि समझ आया सर, कि अगर मैं नया कॉलन, अगर मान लीजिए कि इसमें मैंने एक नया कॉलन यहाँ पे ऐड कर दिया, न्यू कॉलन ऐड कर दिया मान लीजिए मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए फिर इसमें हम डेटा, मुझे पूरे वैल्यू डालना पड़ जाएगा ना सर, इसलिए हम यहाँ पे कोई फील्ड ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम यहाँ मेजर्स ऐड कर लेते हैं। तो इसमें क्विक मेजर्स है और न्यू मेजर्स है, फिलहाल हमें तो कुछ फॉर्मूला लगाना नहीं है, तो हम न्यू मेजर्स पे जाते हैं। न्यू मेजर्स में मैंने यहाँ पे दिया मिनिमम, मिनिमम, और यहाँ पे हम लिख दिया 20,000। अब यहाँ जो हमारा मिनिमम यहाँ आ गया, इस मिनिमम को लिया और हमने, सॉरी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ इस मिनिमम को लिया और उसके मिनिमम वैल्यू में डाल दिया, तो यहाँ ओके के जगह पे 20K आ गया। 0K था, 0 ओके नहीं था, 0 था वो, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब मुझे सेम मैक्सिमम का क्रिएट करना है, तो न्यू मेजर्स पे आता हूँ, यहाँ पे मैक्स, भाई मैक्सिमम सेल कितना हो सकता है, तो मान लीजिए 3.5K हो सकता है। डाल दिया, फिर मैक्सिमम को उठाया और इसके मैक्सिमम वैल्यू पे डाल दिया, 350 के आ गया। अब मेरा यहाँ पे टारगेट को शो करना है कि मैं टारगेट, तो मेरा जो टारगेट है 250K हमारा टारगेट है, तो न्यू मेजर्स में आया और यहाँ पे हमने टारगेट और यहाँ पे 250 में डाल दिया। उसके बाद हम टारगेट को लिए और टारगेट वाले में हम डाल देते, टारगेट
टारगेट का यहाँ पे पोजीशन आ गया 255 टारगेट। अब यहाँ इसकी एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, जो आपका डेटा कलर्स है फिल होना चाहिए। टारगेट जो ब्लू है, ब्लू को मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, और आप इसकी फिल कलर को मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं। ये आपने यहाँ पे तैयार कर दिया। सेम अगर आप एक और यहाँ अमाउंट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ अमाउंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने इस पे टोटल अमाउंट होगा ना इसमें, यहाँ डाल देते हैं, और इस पे भी इसकी भी जो करना है आप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि मेजर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? यस सर, जस्ट वन क्वेश्चन। लेट्स से कि मैं फर्स्ट वाले बार चार्ट को ले रहा हूँ जहाँ पे 196 के है और टारगेट है मेरा 250 के। अब उसकी 196 के और 250 के बीच में एक स्पेस है जो कि हाईलाइटेड नहीं है, क्या मैं उसे डिफरेंट कलर से कर सकता हूँ? नहीं, उसको आप डिफरेंट कलर आई थिंक नहीं कर सकते, एक बार देख लेता हूँ इसमें। लेकिन जैसे थ्योरी कहता है टारगेट ऑन है, टारगेट का कलर टारगेट है, एक मिनट मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। नहीं अच्छा, ये तो उसका कलर है, ऊपर जो लिखा हुआ उसका कलर है, डेटा लेवल्स नहीं, वो तो डेटा लेवल्स आता है जो ये है उसका कलर है। जनरल हो गया, गैज एक्सेस, टारगेट, टाइटल, बैकग्राउंड, नहीं सर नहीं नहीं कर सकते सर। टारगेट में आप यहाँ पे ये कर सकते हैं ऑटो, यूनिट्स में आप यूनिट्स का ऑटो कर सकते हैं, उसके बाद इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट साइज को। सर लेकिन मेरे टारगेट मेरी एक्चुअल जो मेरे रिसीव हैं या जो एक्चुअल अर्नड है मेरिट, क्या मैं उनका डिफरेंस डिस्प्ले कर सकता हूँ किसी तरह वहाँ पे और चार्ट पे? देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस, देखिए इसमें नहीं है, लेकिन आप डिफरेंस डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और न्यू मेजर्स लेता हूँ, ठीक है। तो न्यू मेजर्स में हमने यहाँ पे रेस्ट टीआरजी कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए मेजर्स का बनाया जाता है, तो इसमें हमारा हमने दिया यहाँ पे सम, सम में हमने दे दिया क्वांटिटी, ठीक है, और उससे पहले हमने यहाँ पे देते हैं टारगेट, टारगेट माइनस सम ऑफ टीआरजी आ गया। आता हूं मैं और यहां पे पुट कर, इसके लिए आप टीआरजी को उठाइए, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, रेस्ट टीआरजी को उठाइए आपके, और इसको आप टेबल फॉर्मेट में दे देंगे तो टेबल फॉर्मेट में इस तरह से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको पिक कीजिए, इसकी फॉर्मेटिंग में आप जाके इसका जो लाइनिंग वाइनिंग है यहाँ से गेयर वगैरह हटा सकते हैं, ठीक है, आप हटा लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ जहाँ रखना है रख दीजिए। अब ये ओवरलैप कर रहा है क्योंकि हमने इसकी बैकग्राउंड कलर को रिमूव नहीं किया। स्टाइल टाइटल बैकग्राउंड कलर ऑफ कर दीजिए, ठीक है, हो गया ना सर। यहाँ बैकग्राउंड आपका आ गया, फिर डेटा लेबल जो है टोटल वगैरह आप यहाँ पे हटाना चाहते थे, टोटल वगैरह भी आपका टोटल इसमें है नहीं, जैसे डबल डबल टोटल आता है तो इसका यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से भी इसको वैल्यू ठीक, समझ गए सर।
बाकी फॉर्मेटिंग आप यहां से चूज कर लेंगे तो बाकी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगा। तो मेजर्स का इस्तेमाल इसी चीज के लिए होता है। अब बात करते हैं क्विक मेजर्स की। तो न्यू मेजर्स में तो आप अपनी कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक मेजर्स में क्या होता है कि बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, बस आपको वैल्यू फिट करना होता है। सिलेक्ट कैलकुलेशन आपको करना क्या है, दिख रहा है आपको सर? इस सारे यहां पे आपके सामने दिख रहा है कैलकुलेशन, आपको सिलेक्ट करना है और आपको यूज करना है। ओके, जैसे मुझे एवरेज पर कैटेगरी, या हमने यहाँ पे एवरेज पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने बेस वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। मान लीजिए मुझे लेना है इसका क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे इसका सम नहीं, इसका एवरेज है। और किसके अकॉर्डिंग बेस करना है, तो मैंने नेम डाल दिया, देन ओके। आगे आपके पास यहाँ पे एवरेज डेटा डॉट नेम और यहाँ पे आ गया, फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया सर। अब इसको एवरेज को जहां पे पुट करना है आप पुट कर दीजिए, वहां पे आ जाएगा 50 आ गया एवरेज। तो ये जो आपका क्विक मेजर्स में बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि एक्सेस में होता था ना हम लोगों का क्वी, कि बने बनाए क्वेरी आप जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, कि यहां भी सेम उसी तरह चलता है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने फिल्टर ले लिया, फिल्टर में हमने यहाँ पे बेस वैल्यू किस पे लगाना है, तो क्वांटिटी में लगाना है। क्वांटिटी में क्या करना है आपका, तो हमने बोला मुझे क्वांटिटी का मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी का सम ही करना, चलो ठीक है। फिल्टर इसमें फिल्टर लगाना है तो हमें नेम में लगाना है, और पैरामीटर क्या है तो सारे नेम के डिटेल्स यहाँ पे आ गए, हमने बोला मुझे फिल्टर इंदर का करना है। ओके, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लग गया, क्वांटिटी क्वांटिटी फॉर इंदर कैलकुलेट, यहाँ दिख रहा है कैलकुलेटेड, कैलकुलेट दिखे आपको, कैलकुलेट सम, सम में इसको सम करना है, इसको सम करना है, और यहाँ पे आपके सामने डेटा इन इंदर, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्यूरी। आप इसको भी डायरेक्ट मेजर्स में लिख सकते थे, समझ गए आप, ये चीज भी न्यू मेजर्स पे जाके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके चलिए, तो एक बार आप क्विक मेजर्स को अप्लाई कीजिए और इस तरह के क्यूरी को देखिए, और इस तरह की क्यूरी को न्यू मेजर्स में डायरेक्ट लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे कभी कभी इसका यूज होता है, जैसे मुझे इसमें आई कार्ड में शो करना है कि इंद्र का टोटल कितना, क्योंकि मैं इंद्र का रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो मैंने क्वालिटी फॉर इंद्र यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया 25 के। अब इसको मैं अपने हिसाब से जहाँ रखना चाहूँ वहाँ पे मैं रख सकता हूँ, इसकी कलर वलर जो चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ओके क्या आ जाए जी, समझ में आया आपको? ओके सर, अंकित जी, सारा जी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम क्विक मेजर्स के बारे में और अच्छा से समझाएंगे, और बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं जो कि मेजर्स भी लग सकते हैं वो फॉर्मूले के बारे में समझाएंगे, राइट। मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। अच्छा।